फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। दिल्ली में 3 महीने की फीस को एक साथ नहीं लिया जाएगा, इस पर अब रोक लगा दी गई है। स्कूल अब 1 महीने की फीस ही ले पाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही होंगे, एनुअल चार्जेस को नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं ली जाएगी और फीस की बढ़ोतरी पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। ये बड़ी राहत मिली है उन अभिभावकों को जिनके बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। फीस की बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और बहुत ही सख्ती से कहा कि स्कूल बंद होने पर फीस अतिरिक्त नहीं बढ़ाई जाएगी। आइए देखते हैं। ऑन फोन क्लासेस ली जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और भी कई मीडियम्स के माध्यम से क्लासेस ली जा रही हैं और लेने की तैयारी है। प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली में और भारत में, पूरे देश में, कंपनियों द्वारा नहीं चलाए जाते, ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल, इस कानून में ये माना गया है कि प्राइवेट स्कूल जो लोग चलाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल जो संस्थाएं चलाएंगी वो प्रॉफिटेबल संस्थाएं नहीं होंगी, वो चैरिटेबल संस्थाएं होंगी, वो ट्रस्ट होंगी। तो ऐसे में मुझे अब कई जगह से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने, अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहां ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसको, उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना, ये तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी स्कूल, सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीना वार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी, ये आदेश दिए हैं। साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और, 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।